यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय सो। मातृधाम सत्संग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मातृधाम सत्संग से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और जितने भी आज नए लोग मातृधाम सत्संग से जुड़ेंगे, प्रभु आप सभी को भी आशीष दे, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज सारा विश्व डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तड़प रहा है। हर एक व्यक्ति के मन में डर है, शंका है, निराशा है, क्योंकि महामारी चल रही है। ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप जानते हैं, जब पौलुस और सीलास को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया था, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, उनको मारा गया था, प्रताड़ित किया गया था, अपमानित किया गया था, कोड़ों से मारा गया था, उस समय वे आधी रात को उठकर प्रभु की स्तुति गा रहे थे। यानी मार खाने के बावजूद घाव हो गए शरीर में, बंधे हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन वे क्या कर रहे हैं? प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हम विश्वासियों को भी ऐसी स्थिति में प्रभु की स्तुति करना सीखना चाहिए। जब हम खुश हैं, जब हम दुखी नहीं हैं, जब सब कुछ अच्छा है, तब तो हम स्तुति कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे समय में हम स्तुति कर सकते हैं? यह हमारे लिए चुनौती है। तो ये एक विश्वासी के अंदर बल होना चाहिए कि भयावह स्थिति में भी प्रभु की स्तुति करें। दुख में, अत्याचार में, बीमारी में, लाचारी में, बेबसी में प्रभु की स्तुति करना हमें सीखना है, और आज हम करेंगे। आप जानते हैं, जब इसराइली लोग मिस्र से निकले, आगे लाल समुद्र था, पीछे फिराउन की सेना आ गई थी, इसराइली लोग यह देखकर, संकट को देखकर भुनभुनाने लगे, कोसने लगे अपने आप को, ईश्वर को कोसने लगे, मूसा को कोसने लगे, और कहने लगे, इससे अच्छा तो हम मिस्र में मर जाते, अब यहां हम मरुभूमि में मरेंगे। तो मूसा उनसे कहते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 13 में एक सुंदर वचन मूसा कहते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो, और यह देखो कि किस प्रकार आज प्रभु तुम लोगों की रक्षा करेगा। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे, बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, डरो मत, धीर बने रहो, धीर बने रहो, और यह देखो, और यह देखो कि किस प्रकार, कि किस प्रकार प्रभु आज, प्रभु आज तुम लोगों की, तुम लोगों की रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। डरो मत, डरो मत, धीर बने रहो, धीर बने रहो, और यह देखो, और यह देखो कि किस प्रकार, कि किस प्रकार प्रभु आज, प्रभु आज तुम लोगों की, तुम लोगों की रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, मूसा कहते हैं, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, उसके बाद मूसा ने
प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसे कहा अपने डंडे को सागर के ऊपर उठाओ और उसे दो भागों में बांटो। और मूसा ने ऐसा ही किया और इसराइल लोग सूखे पांव समुद्र पार कर गए और मिस्र की सेना डूब कर मर गई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वही पानी जो डरा रहा था पीछे हट गया, फिरौन की सेना जो डरा रही थी डूब कर मर गई। और ऐसा ही होगा जब हम विश्वास करेंगे, स्तुति करेंगे, डरेंगे नहीं, विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखेंगे। प्रभु कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और प्रभु के काम देखो। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यानी डरना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना है। नजात मतलब प्रभु की मुक्ति के कार्य देखिए। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो क्या करना है? डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, प्रभु को कार्य करने दीजिए, बस चुपचाप प्रार्थना में लगे रहिए। एक साथ मेरे साथ मिलकर गाते जाएंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, एक साथ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम। डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। मसीह की नजात के काम देखो, मसीह की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम। जोरदार तालियां बजा के डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। और पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क
जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है। तब क्या करना है? डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। विश्वास के साथ डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। जोर से गाइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम। विश्वास के साथ आलू के डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम। सब लोग मिलकर गाइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम। एक साथ मिलकर डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। आओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम। सब लोग सब लोग सब लोग डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम। विश्वास के साथ आगे जाइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम। डरना नहीं है डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत 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 डरो चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। गाइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। गाओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। करेंगे दोनों हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रभु की दुहाई दे प्रभु की स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के डर की आत्मा चिंता की आत्मा शंका की आत्मा हमें छोड़कर चली जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहिए। अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से एकाग्र करना। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करना। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा शक्ति का आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे पापों का हमें एहसास कराने वाला आत्मा। पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ने वाला आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु की शिक्षाओं को हमें याद दिलाने वाला आत्मा। आंखें मंद कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। हमने अभी अभी स्तुति की है। प्रभु हमारी स्तुति के योग्य हैं।
अपने हृदय और मन को पूरी तरह से तैयार कीजिए सत्संग के लिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे योग्य रीति से सत्संग में भाग लेने के लिए कृपा दीजिए। मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं टूटा हूं, मैं निराश होते जा रहा हूं। चारों ओर जो जो घटनाएं घटित हो रही उनके बारे में सोच सोच कर मैं परेशान रहता हूं। मेरी बुरछाई हुई आत्मा को समय जगाना यीशु, मेरे झुकते हृदय और मन को इस समय जगाना यीशु, अपने जीवन की हर परिस्थिति को इस समय प्रभु के अधिकार में दीजिए, अटूटापन को समय प्रभु के हाथ में दीजिए, एक दृढ़ विश्वास से समय अपने में जगाइए, एक दृढ़ विश्वास जगाइए, भरोसा जगाइए, प्रभु के पवित्र वचनों को इस समय ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। यीशु के वचनों को याद कीजिए, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वही पुनर्जीवित यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, उनकी उपस्थिति को समय स्वीकार करना। मेरे भाई मेरी बहन, आप जहां कहीं भी हैं, आप जिस कमरे में हैं, जिस स्थान पर हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति समय स्वीकार करना। प्रभु आपके साथ हैं, आपके पास हैं, अपने हृदय और मन को समय तैयार कीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समय खोलिए, कहिए पवित्र आत्मा आइए मेरे हृदय और मन को तैयार कीजिए, आना पवित्र आत्मा मेरे हृदय और मन को एकाग्र करने के लिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, बुराई के हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए आना पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्रता पूर्वक इस समय पवित्र आत्मा को इस गीत के साथ हमारे भाई के साथ मिलकर गाना गाना। पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर उतर आए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारी मुरझाई हुई आत्माओं को फिर एक बार खड़ा करे, हमारी निराशाओं को आशा में बदल दें, हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दें। पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते जाएंगे। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा मन में मेरे, आजा पावन आत्मा हम
हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। एक साथ आ जा पावन आत्मा, दिल में मेरे आ जा पावन आत्मा। बार बार मिलकर गाते जाइए, आ जा पावन आत्मा, दिल में मेरे आ जा पावन आत्मा, आ जा पावन आत्मा, दिल में मेरे आ जा पावन आत्मा, मन में मेरे आ जा पावन आत्मा, मन में मेरे आ जा पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलें, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैसे समय बीतता है, कैसा समय आता है, इसका कोई अंदाज नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम सबको अभी भी खड़ा रखा है, अभी भी जीवित रखा है। बीते दिनों में हमने देखा है कि हमारे देश में और सारे विश्व में क्या हो रहा है। आज बृहस्पतिवार है जब मैं इस टॉक को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज के अखबार के अनुसार कम से कम 3 लाख नए कोविड के मरीज पाए गए हैं, कम से कम 3,000 लोग मर गए हैं, प्रतिदिन इसी तरह हो रहा है। एक भयानक परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी ओर से कुछ प्रार्थनाएं शुरू की है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। कल रात की आराधना में कम से कम 2,500 मोबाइल खुले थे, इसका मतलब कम से कम 7-8 हजार लोग मिलकर प्रार्थना किए थे। कल यानी बुधवार के करुणामाला में कम से कम 3,000 लोगों के मोबाइल खुले थे, मैं सोचता हूं कम से कम 9,000 लोग मिलकर प्रार्थना किए थे। ये प्रार्थना का समय है और विशेष करके मैं अनुरोध करूंगा सभी विश्वासी भाई बहनों से और मसीही भाई बहनों से, आपने प्रभु को जाना है, आपने जाना है कि हमारा प्रभु पुकार सुनने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जिसने कहा मांगो, और इसलिए मांगना आप और मेरा कर्तव्य है। विशेष करके मसीह भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप केवल अपने लिए मत प्रार्थना कीजिए। हम लोगों की आदत है अपने लिए नोवेना करना, अपने लिए रोजरी बोलना, अपने लिए करना। जरा ऊपर उठिए, विशेष करके जो कैथोलिक भाई बहन हैं आपसे अनुरोध करूंगा। आप जानते हैं कैथोलिक का अर्थ क्या होता है? कैथोलिक का अर्थ है सार्वभौमिक, सार्वत्रिक, सार्वभौमिक। एक कैथोलिक के मन और हृदय को बहुत विराट होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। तो ये समय हमारे लिए अपने लिए प्रार्थना करने का नहीं है, सारे संसार के लिए प्रार्थना करने का है। अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। और मेरा सविनय अनुरोध है सभी मसीही चैनल से अन्य प्रतिदिन के कार्यक्रमों को कुछ रद्द कीजिए और अपनी जनता को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कीजिए, प्रार्थनाओं के कार्यक्रम बढ़ाइए। अन्य जो ट्रेडिशनल कार्यक्रम है हर रोज होने वाला है रद्द कीजिए, समय की पुकार को जानिए, प्रार्थना बढ़ाइए, प्रार्थना करने के लिए जनता को प्रेरित कीजिए।
ये हम मीडिया वालों का आज कर्तव्य है. वी मस्ट बी रेलेवेंट, हमें सामयिक होना जरूरी है. आज सुबह इस प्रवचन के लिए तैयार करते समय, मैं आने से पहले, स्टूडियो में आने से पहले, एक बहन ने फ़ोन करके कहा बनारस से ही कि स्वामी जी आपके सारे कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद देती हूँ. हमारे पूरे घर के सभी लोग कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन जब से आप लोगों ने करुणा माला और ये अन्य कार्यक्रम शुरू किए जो कोविड के विरुद्ध हैं, हम सभी लोग पूरे मन से प्रार्थना करते थे. नतीजा सभी नेगेटिव हो गए हैं. बोलिए हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों इस सदी के सबसे संकटमय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं. वैसे मानव इतिहास में कई घटनाएं होती हैं जो हमें दुख देती हैं. बाढ़ आती है, प्रलय आता है, चला जाता है, युद्ध आता है, चला जाता है, समाप्त हो जाता है. लेकिन महामारी जब भी आती है तो झुलसा के चली जाती है. लोग सवाल करते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हम कैसे इस महामारी का सामना करें. प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मुझे कुछ उदाहरण दिया बाइबल से. सबसे पहला उदाहरण है दाऊद का उदाहरण, कि दाऊद ने गोलियत का सामना कैसे किया, उसी तरह हमें भी महामारी का सामना करना है. सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, इसराइली सेना से लड़ने के लिए फिलिस्ती सेना आती है. दोनों सेनाएं आमने सामने आ रही हैं. उस समय फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत है सामने आ जाता, कहता है युद्ध की जरूरत नहीं है, कोई आकर मुझे हरा दे, हम हार मान लेंगे. लेकिन इसराइली सेना में कोई एक भी नहीं निकला जो उससे लड़े. इस तरह 40 दिन बीत गए. तब जैसे ने अपने पुत्र सबसे छोटे बेटे दाऊद को युद्ध के मैदान में भेजा, क्योंकि उसके अन्य बेटे लड़ने के लिए गए थे, उनको नहीं मालूम था कि आखिर हुआ क्या है. और दाऊद वहां पे आता है. दाऊद कहता है कि मैं गोलियत से लड़ूंगा. आप जरा सुनिए क्या बोला जाता है. जब वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो राजा कहता है तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वो लड़कपन से ही वीर योद्धा है. वो लड़कपन से ही वीर योद्धा है, अब तुम छोटे हो, तुम्हारा शरीर सुडौल है, तुम उसको हरा नहीं सकते, तुम उससे लड़ नहीं सकते. आगे हम पढ़ेंगे वाक्य 38 और 29 में. तब साउल ने दाऊद को, जब अंत में दाऊद ने कहा कि मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता हूं और अगर कोई जंगली शेर या कोई जानवर आ जाए मैं उसको हरा देता हूं, भेड़ों को बचा लेता हूं, तो तब साउल ने दाऊद को अपना कुर्ता पहना दिया, उसके सिर पर कांसे का टोप रखा और उसे कवच पहनाया. अपने बख्तर के ऊपर दाऊद ने तलवार बांधी, लेकिन वो चल नहीं सका क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं था. इसीलिए दाऊद ने साउल से कहा मैंने पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मुझे इनका अभ्यास नहीं है, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया. वाक्य 40 में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहे की झोली में के जेब में रख लिया और वो गोलियत को हराने के लिए जाता है. जब गोलियत ने देखा दाऊद उसकी ओर आ रहा, गोलियत ने कहा क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए. तब दाऊद क्या कहता है, वो बहुत मायने की बात है, तुम तलवार भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इसराइली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं जिसे तुमने चुनौती दी है. फिलिस्ती सैनिक गोलियत को देखकर इसराइली सेना स्तब्ध रह गई थी. इसराइली सेना के पास तलवार भाले बर्छी अन्य चीजें थी, इसके बावजूद वे गोलियत के सामने स्तब्ध थी. लेकिन दाऊद एक चिकने पत्थर के सहारे, आगे हम पढ़ेंगे, गोलियत को मार गिराता है.
एक चिकना पत्थर क्या है, कुछ नहीं है। महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास आवश्यक सामग्रियां और दवा नहीं है, लेकिन जिस तरह दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, उसी तरह एक विश्वासी अपने विश्वास के बलबूते इस महामारी को मार गिरा सकता है। तो सबसे पहले विश्वास और भरोसे के साथ सामना करना। एक दूसरा उदाहरण इसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। आप पढ़ेंगे मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, वहां पर हम पढ़ते हैं कि कैसे यहूदी नेता यूदा निकानोर का सामना करता है। यूनानी सेना निकानोर के नेतृत्व में यहूदियों पर आक्रमण करने के लिए आई, और यहूदियों का नेता यूदा किस तरह उसका सामना करने गया, जरा वचनों में सुनिए। दूसरा मकाबी अध्याय 15 वाक्य 21 से 22 पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 21 से 22 में लिखा हुआ है, जब मकाबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और ये देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और उनके हाथ ही कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसे पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। निकानोर के पास इतने अस्त्र शस्त्र, हाथी, डरावने हाथी, घोड़े, रथ, यहूदा के पास, यहूदियों के पास कुछ नहीं था। यहूदा ने विश्वास किया, क्या विश्वास किया? उसने, उसको विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है, और इसीलिए वे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे, निकानोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यहूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। शत्रु बड़ा है, शत्रु की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन विश्वासी की का विश्वास और भरोसा उन सारी शक्तियों से मजबूत और बड़ी है। इस सत्य को जानना जरूरी है। तो जिस तरह दाऊद ने गोलियत का सामना किया, जिस तरह यूदा ने निकानोर का सामना किया, उसी तरह विश्वास और भरोसे के साथ एक विश्वासी को इस महामारी का सामना करना चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है दानियल के मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इसलिए कि राजा की बात को मानने को तैयार नहीं थे, भट्टी में डाले गए। मैं वचन सुनाऊंगा आपको यहां से, लिखा हुआ है दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 से। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 से हम पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर ने कहा, राजा नबूकदनेस्सर ने करा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तो रही वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने को तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, राजा इसके संबंध में हमें आपसे कुछ कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करेंगे ही। यह सुनकर
नबूकदनेज़र शद्रक मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ वरिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे इन तीनों को उस भट्टी में डाल दे, और ऐसा ही हुआ। जीवित परमेश्वर की आराधना करना छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना करने के लिए वे तीनों तैयार नहीं थे, उनको जलती हुई भट्टी में डाला गया। आपको मालूम क्या हुआ? भट्टी में गिरते ही वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे, जीवित ईश्वर की स्तुति करने लगे। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, वाक्य 91 में, राजा नबूकदनेज़र बड़े अचंभे में पड़ गया। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अपने दरबारियों से बोला कि हमने 3 व्यक्तियों को बांध कर आग में नहीं डलवाया। उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूं, चौथा स्वर्गदूत जैसा है। नबूकदनेज़र ने धधकती भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा, शद्रक मेशक और अबेदनगो, सर्वोच्च ईश्वर के सेवकों, बाहर निकल आओ। इस पर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग से बाहर निकल आए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण नहीं दे रहा था, उनका बाल तक बाका नहीं हुआ था। जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने उस परमेश्वर की स्तुति की, उस ईश्वर की आराधना की, उसकी स्तुति की। उसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलस फिलिपी नगर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते समय वे पकड़े गए और उनको वो बहुत बुरी तरह से पीटा गया, घायल किया गया, बंदीगृह में डलवाया गया और बंदीगृह में उनके हाथ पांव में जंजीरें बंधी हुई थी। आधी रात को वे दोनों उठकर परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। उस दुख की परिस्थिति में ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? वचन में आपने पढ़ा है, भूकंप हुआ, बंदीगृह के द्वार खुल गए, उनकी जंजीरें ढीली पड़ गई और सुनने वाले सबकी जंजीरें ढीली पड़ गई। कारापाल ने आकर उनके सामने घुटना टेककर पूछा कि भाइयों, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। कारापाल उन दोनों को ले जाता है और उनको उनके घावों को पट्टी बांधते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं। चमत्कार होता है। जिस तरह दानियल के 3 मित्रों ने, सिलास और पौलुस ने दुख के समय परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर का गुणगान किया, एक विश्वासी को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का स्तुति गान करना है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है। यह उद्धार का मार्ग है, सुरक्षा का मार्ग है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है, हम जोना नगबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने जोना से कहा, जाकर निनेवे के लोगों से कहो पश्चाताप करने के लिए। जोना जाने को तैयार नहीं था, वह उस पानी के जहाज में बैठ गया जो उल्टी दिशा में जा रही थी, जो उल्टी दिशा में जा रहा था, और वहां पर तूफान भेजा गया। समुद्र में तूफान था, जहाज कंट्रोल में नहीं आया, नियंत्रण में नहीं आया। अंत में जहाज चलाने वाले लोगों ने पता लगाने के लिए चिट डाला कि ये कौन है, किस कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और योना का नाम निकला। योना ने खुलकर सारी बातें बता दी कि मैं अपने ईश्वर के आदेश के विरुद्ध इस जहाज में बैठा हूं। उन्होंने पूछा, हम क्या करें? योना ने कहा, मुझे उठाकर पानी में डाल दो। पानी में डाल दिया गया और योना को एक मच्छ ने खा लिया, अपने पेट में ले लिया। योना एक मच्छ के पेट में चला जाता है, 3 दिन और 3 रात उस मच्छ के पेट में रह जाता है। वे 3 दिन और 3 रात योना के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। एक तो अंधेरे में, अकेले में, तन्हाई में,
वो समय था योना को अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का, वो समय था ईश्वर की ओर वापस लौटने का, ईश्वर के आदेशों को स्वीकार करने का। योना इंतजार में था कि किस समय ये मच्छ मुझे बाहर उगल देगा। इंतजार का समय, उसने इंतजार किया प्रभु को स्वीकार करते हुए। उसी तरह एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, दानियल राजा के आदेश का उल्लंघन करता है। हालांकि राजा नहीं चाहता था कि उसको भूखे सिंह के खड्ड में डाल दे, दानियल को भी भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाता है और पूरी रात दानियल भूखे सिंहों के खड्ड में पड़ा रहा। दानियल के सामने भूखे सिंह और दानियल वहां पर उनके सामने बैठा है पूरी रात इंतजार में कि कब मुझे बचाया जाएगा, कब प्रभु मुझे यहां से बाहर ले जाएगा। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, ये महामारी आई है, हमें भी विश्वास और भरोसे के साथ इंतजार करना है, टूटना नहीं चाहिए। कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। दुख और मुसीबत की घड़ी, महामारी का समय हमारे लिए टूटने का समय नहीं है, बल्कि इंतजार करने का समय है, मुक्ति के इंतजार करना। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ की अध्याय 3 उसकी वाक्य 26 में, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। जिस तरह योना उस मच्छ के पेट में उद्धार मुक्ति के समय का इंतजार कर रहा था, जिस तरह दानियल उस भूखे सिंह के खड्ड में अंधेरे में रात को मुक्ति का इंतजार कर रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं, दुख हमारे ऊपर से होकर बह रहा है, इंतजार कीजिए, भरोसे के साथ इंतजार करना, टूटना नहीं। टूट गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इंतजार करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है यूदित और एस्तर का उदाहरण। असुर का राजा इसराइल पर आक्रमण करके छोटे छोटे राज्यों को अपने वश में करता जा रहा था। अब समय आया बेथुलिया को अपने वश में करने का। असुर के राजा का सेनाध्यक्ष हेलोफर्नेस आक्रमण करने को तैयार है, लेकिन बेथुलिया के शासक उसके लिए तैयार नहीं थे, वे राजा के साथ संधि करने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में असुर की सेना ने बेथुलिया शहर के लिए जो जल बह कर आता है उस जल के स्रोत से काट दिया। बेथुलिया शहर के लिए पानी नहीं आ रहा था, बेथुलिया की जनता मरने लगी, जानवर मरने लगे। तब जनता ने शासकों के जाकर कहा कि चलिए आप उनके साथ समझौता कीजिए, हमें जीना है। शासकों ने कहा कि हम 5 दिन तक इंतजार करते हैं, अगर प्रभु हमें नहीं बचाते तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। एक विधवा थी जिसका नाम था धनी विधवा, जिसका नाम था यूदित। उसने इस बात को सुन लिया, उसने इस बात को सुन लिया और शासकों को डांटा। यूदित का ग्रंथ अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, वहां पर हम पढ़ते हैं, उन्होंने डांटा और कहा कि आप कौन होते हैं कि आपने आज ईश्वर की परीक्षा ली और जो मनुष्यों के बीच ईश्वर का स्थान लेते हैं, आप सर्वशक्तिमान प्रभु की परीक्षा लेते हैं, आप उसके विषय में कभी कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 5 दिन अगर प्रभु हमारी मदद नहीं करेंगे 5 दिन के बाद हम लोग उनके शरण में जाएंगे, आपने कैसे तय कर लिया कि प्रभु हमारी शक्तिशाली नहीं है, कि प्रभु हमें बचा नहीं सकते। आगे पढ़ेंगे वाक्य 15 में,
वाक्य 15 में पढ़ते हैं, कभी नहीं भाइयों, आप हमारे प्रभु ईश्वर का प्रसन्न नहीं कीजिए। यदि वो 5 दिन के अंदर में हमें सहायता देना नहीं चाहता, तो वो जितने दिनों के अंदर चाहता है वह हमारी रक्षा करने में अथवा हमारे शत्रुओं द्वारा हमारा विनाश करवाने में समर्थ हैं। आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय लेने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न मत करो। ये मत बोलो कि 5 दिन के अंदर मदद करेंगे, नहीं तो हम उनके साथ समझौता करेंगे। आपका ईश्वर आपको मदद करने में सक्षम है, आपका ईश्वर आपकी मदद करने में सक्षम है, समर्थ है। और हम पढ़ते हैं आगे कि अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, अध्याय 9 में यूदित क्या करती है। यूदित अपने सर पर राख डाले, अपने वस्त्र उतार कर मात्र टाट ओढ़े, मुंह के पल गिर पड़ी, प्रार्थना में लग गई। यूदित प्रार्थना करने जाती है। एक बहुत बड़ा संकट आया है देश पर, उस संकट से बचने के लिए यूदित ने प्रभु का सहारा लिया, शरण ली, अपने अच्छे अच्छे वस्त्र उतार कर टाट ओढ़कर वो प्रार्थना करने लगी। उसके बाद पूरी कहानी यहां पे बताना मुश्किल है। उसके बाद ईश्वरीय सामर्थ्य से भरकर उसने जाकर हॉल ऑफ फर्नेस को समाप्त किया, सारी सेना वहां से भाग गई। बेथुलिया के लोग प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास किए। जब हमारे जीवन में संकट आ जाता है, महामारी आती है, तो हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें नहीं कहना चाहिए कि हम देखते हैं प्रभु हमें बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। नहीं, प्रार्थना में गहरे होना है, विश्वास के साथ प्रभु के चरण में जाना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। इसी तरह में एस्तर के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। जब एस्तर को पता चल जाता है कि हमारी जनता के विनाश के लिए योजना बनाई जा रही है, यहूदियों के विश्वासियों के विनाश के लिए योजना बनाई जा रही है, तो एस्तर ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, अध्याय 4 उसके वाक्य 17 में, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। जब रानी एस्तर को पता चला कि हमारी जनता का विनाश किया जा रहा है या उसके लिए योजना बनाई जा रही है, तो वो प्रभु की शरण में जाती है, प्रार्थना और उपवास में 3 दिन बिताती है। आगे अगले अध्याय में लिखा हुआ, अध्याय 5 में वाक्य 1 में, तीसरे दिन एस्तर राजसी वस्त्र पहने राजमहल के भीतरी प्रांगण में उपस्थित हो जाती है राजा के सामने। पूरी कहानी काफी लंबी है। इस प्रकार यहूदी विश्वासी बचाए जाते हैं। यूदित की तरह और एस्तर की तरह विनाश की खबर सुनते ही जिस तरह वे प्रभु की शरण ली, प्रार्थना में समय बिताया, उपवास किया, उसी तरह मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, विपत्तियां, महामारियां, परेशानियां, संकट आते रहेंगे। हमारा काम है प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा ईश्वर की शरण लेना और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली, तो उस समय प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। शैतान ने कहा कि इस पत्थर को रोटी बना लो और खा लो, तुमको भूख लगी है, तू मरने वाला है, तू मर जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया शैतान से लड़ने के लिए, संकट से लड़ने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए। हम भी वचन का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बराबर कई बार दिन में स्तोत्र 23
और स्तोत्र 121 पढ़ना। इसको बार बार दोहराना। जब जब आप इन स्तोत्रों को दोहराएंगे तब तब आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। जब मेरे जीवन में कभी आध्यात्मिक रूप से डिप्रेशन आ जाता है, मैं पवित्र वचनों को उठाता हूं, उसको बार बार अनायास ही दोहराते जाता हूं। बार बार दोहराते जाना, स्तोत्र 27 को दोहराते जाना। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हूं? पवित्र वचनों को इस्तेमाल कीजिए, उसको बार बार दोहराते जाइए। वो आपके पास है, शस्त्र आपके पास है, किसी को आपको देने की आवश्यकता नहीं है। शस्त्र आपके पास है, आप इसको बार बार दोहराते जाना। जब आपका दिल डरने लगता है, आप घबराने लगते हैं, पूरा परिवार कोविड के शिकार में आ जाता है, या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कोई वेंटिलेटर में है, बार बार इन वचनों को दोहराते 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 अपने विश्वास को मजबूत रखना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं बोल रहा था कि आप पवित्र वचनों को बार बार दोहराना। पवित्र वचनों पर, जैसा कि पवित्र वचनों पर आप टंगे रहिए। कई साल पहले मैंने एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी। तस्वीर इस प्रकार है, एक बंदर एक रस्सी के अंतिम हिस्से में छोर पर लटका हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ था अंग्रेजी में, When you have come to the end of your rope, make a knot and hang on। यानी अपने रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंचने पर आप गांठ बनाइए और टंगे रहिए, टंगे रहिए। पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए अपनी जिंदगी में टंगे रहिए। हारिए मत, गिरिए मत, निराश मत होइए। वचनों को दोहरा दोहरा के अपनी निराशा को आशा में परिवर्तित कीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छठा है अय्यूब का उदाहरण। बाइबल में एक सुंदर पात्र है अय्यूब, जोब, जो धर्मी थे, भक्त थे, प्रभु को बहुत प्रिय थे, प्रभु की भक्ति करते थे, आराधना करते थे, प्रभु पर निर्भर रहते थे, भरोसा रखते थे। लेकिन अय्यूब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 में हमें पढ़ने को मिलता है, एक एक विपत्ति के बाद उसको खबर मिलती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। सारी विपत्तियों के बाद सारे जानवर भगा लिए गए, उसके सारे दास मार डाले गए, सारे बच्चे मार डाले गए, दबकर मर गए, उसके शरीर में भी फोड़े आए। विपत्ति पर विपत्ति, डराने वाली विपत्ति, हताश करने वाली विपत्ति, उन विपत्तियों का कैसे अय्यूब ने सामना किया। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य केस में अय्यूब कहता है, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। एक विश्वासी की प्रतिक्रिया देखिए दुख के सामने, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। उसकी पत्नी उसको कोसने लगी, उस समय अय्यूब ने क्या कहा? वाक्य 10 को सुनिए, हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों न स्वीकार करें। अपनी पत्नी को समझाते हैं, अगर हम ईश्वर से सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्यों न हम दुख ग्रहण करें। दुख, बीमारी, महामारी के सामने ये प्रतिक्रिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह हमारे लिए टूटने का समय नहीं है। अगर हम विश्वासी टूट जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा? हम विश्वासियों को मजबूत रहना चाहिए।
हिम्मत बांधे रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले दाऊद और यहूदा की तरह विश्वास और भरोसे के साथ इस महामारी का सामना करना चाहिए। दानियल के मित्रों की तरह या पौलुस और सीलस की तरह इस महामारी या इस दुख के समय परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, स्तुति के साथ इस महामारी का सामना करना चाहिए। योना की तरह या दानियल की तरह हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रतीक्षा में कि प्रभु सब कुछ बदलेंगे, हमारा उद्धार होगा, मुक्ति होगी, ऐसी प्रतीक्षा में इस महामारी का सामना करेंगे। जूदित और एस्तर की तरह उपवास और प्रार्थना के साथ इस महामारी का सामना करेंगे, इस विश्वास में कि हम इसको बदल सकते हैं। जिस तरह यूदित ने अपनी जनता को बचाया, एस्तर ने अपनी जनता को बचाया, उसी तरह हमारी प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम बचाए जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। जिस तरह प्रभु यीशु ने पवित्र वचन के द्वारा शैतान का सामना किया, बुराई का सामना किया, उसी तरह इस दुख की घड़ी में हम विश्वासी भी प्रभु के वचन पर टंगे रहेंगे, प्रभु के वचन पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के वचन को दोहराएंगे, प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे कि प्रभु ने कहा है और ये होगा, प्रभु के वचन को दोहराएंगे, अय्यूब की तरह अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, स्वीकार करेंगे, सकारात्मक ढंग से स्वीकार करेंगे, नकारात्मक ढंग से स्वीकार नहीं करेंगे। अभी इस प्रवचन को आपको देने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले, हमारे एक प्रिय बेटा, उसकी मां गुजर गई कोविड से, कई दिनों से वह जूझ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ था, एक बार वेंटिलेटर में भी गई थी, बस्ती मर गई। कितनी दुखदायक बात है, लेकिन सकारात्मक ढंग से ग्रहण करना। मैंने उसके बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी, तुम देखना, अगर तुम इसको स्वीकार करोगे, आज से तुम्हारे परिवार में आशीष पर आशीष आएगी। तुम्हारी मम्मी की मध्यस्थता के द्वारा विश्वास करना, स्वीकार करना, सकारात्मक ढंग से स्वीकार करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह संकट का समय है, हम घबराएंगे नहीं। जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, दुख के समय घबराना नहीं चाहिए। वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ उसकी अध्याय 2 में, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, सिर झुकाइए, स्वीकार कीजिए, आज की इस परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, संकट को स्वीकार कीजिए, अय्यूब की तरह प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, समझ नहीं पाता लेकिन स्वीकार करता हूं। पेत्रुस की तरह मैं भी बोलना चाहता हूं कि प्रभु, हम जाएं तो कहां जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। और ये सच्चाई है प्रभु, इस दुनिया में कोई और हमें बचाने वाला नहीं है, कुछ और हमें बचाने वाला नहीं है, तू एकमात्र मुक्तिदाता है। आज के संपूर्ण विकट परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं यीशु, मुझे हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि मैं इसको सकारात्मक ढंग से स्वीकार करूं, विश्वास और भरोसे के साथ स्वीकार करूं, प्रार्थना और उपवास के साथ स्वीकार करूं, भरोसे के साथ स्वीकार करूं। प्रभु, मैं तेरे पवित्र वचनों पर भरोसा रखता हूं, तूने कहा है, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय है। तूने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। आज की परिस्थिति को पूरी तरह से तेरे हाथ में सौंप देता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
हम तुझसे सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्यों ना दुख ग्रहण करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद ये पिता, धन्यवाद, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आज की आराधना में हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके रोगियों के लिए कि उनका विश्वास ना टूटे, उनकी आशा ना टूटे। आराधना 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 मेरे प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना 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 मिलकर गाइए आराधना 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 फिर से आराधना 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 उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना, उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना। आराधना 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 गाइए आराधना 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 एक साथ आराधना 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 आराधना। दुख को हर कर सुख ज्योतिया सुखदायक की आराधना, दुख को हर कर सुख ज्योतिया सुखदायक की आराधना। आराधना 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 गाइए आराधना 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 आराधना। पावन आत्मा आराधना, उन्नत शक्ति की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, उन्नत शक्ति की आराधना। आराधना 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 मिलकर गाएंगे प्रभु की आराधना। आराधना 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 और एक बार मिलकर गाइए आराधना 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 आराधना। जीवन दाता प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना, जीवन दाता प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना। आराधना 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 गाइए आराधना 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 आराधना। चंगाई दाता प्रभु यीशु
की करे हम आराधना 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 की गहराई से आराधना 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 वेदी पर विराजमान यीशु की आराधना 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 हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया बार बार करते जाइए हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 करते जाइए हालेलुया 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 मृत्यु को हराने वाले महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाले यीशु उस महान सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु पर लगाएं। हृदय की हर प्रकार की व्यथा को इस समय प्रभु के सामने रखें। हर डर भय को प्रभु के सामने रखें। विश्वास में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। समय ये विश्वास करें कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरी परिस्थिति को जानते हैं। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे, समर्पित करेंगे, यीशु के सामने आएंगे एक समर्पण मनोभाव के साथ। कहेंगे प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मैं हार गया, सारा संसार हार गया है, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देता हूं यीशु, तू ये मात्र है, तूने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। तू हमारे लिए जीवित है, हमारे साथ है। तूने वायदा किया, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। और इस समय हम विश्वास करते हैं कि तू इस पवित्र रोटी में विराजमान है, तेरे सानिध्य के सामने सिर झुकाते हैं, तेरी उपस्थिति को इस समय अंगीकार करते स्वीकार करते। यीशु आंखें मंद कीजिए मेरे भाई और बहनों, हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। आप क्या बोलना चाहते हैं प्रभु से बोलिए, प्रभु के सामने रखिए।
हम दुखमय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उस यीशु के सामने रखिए जिसने कहा कि मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। उस यीशु के सामने रखिए जिसने कहा कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के सामने अपने हृदय की एक एक व्यथा को रखिए, एक एक पीड़ा को रखिए, अपने दिल से सारी बातें प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं थक गया हूं, हार गया हूं, मैं डरा डरा सा हूं, मैं चिंतित हूं, मेरे अंदर भय है, आसपास में जो घटनाएं घटित हो जाती हैं मैं सोचता हूं कि अगला नंबर मैं तो नहीं हूं, मैं परेशान हूं, हैरान हूं, डर डर के जी रहा हूं। यीशु तेरे वचन को मैं भूल गया हूं, तेरे वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे दाहिने लाखों ढेर हो जाएंगे किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। भूल जाता हूं यीशु, भूल जाता हूं। आज इस वक्त अपने हृदय की एक एक पीड़ा को लेकर तेरे सामने आया हूं यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जीसस आई ट्रस्ट इन यू यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, भरोसा रखता हूं, भरोसा रखता हूं। मौन होकर कुछ समय आराधना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के सामने एकांत में आइए, सिर झुकाइए प्रभु की उपस्थिति में, हृदय खोलिए, मौन हो जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, 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 मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है, तेरे डंडे का भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए, मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तेल का विलेपन करता है, और मेरा प्याला, और मेरा प्याला लबालब भर देता है, लबालब भर देता है। इस प्रकार, इस प्रकार तेरी भलाई, तेरी भलाई और तेरी कृपा से, और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ, मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक, मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा, निवास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग मुंह खोल के बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, और मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। तो मैं किससे भयभीत हूँ, तो मैं किससे भयभीत। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय, संकट के समय वह मुझे अपने तंबू में, अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। संकट के समय, संकट के समय वह मुझे अपने तंबू में, अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर, अपने तंबू के भीतर छिपाता है, छिपाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो,
महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी, सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं इसराइल का रक्षक, नहीं इसराइल का रक्षक, ना तो सोता है, ना तो सोता है, और ना झपकी लेता है, और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह, छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह, छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में, ना तो दिन में सूर्य से, सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, तुम्हारी कोई हानि होगी। और ना रात में चंद्रमा से, ना रात में चंद्रमा से प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अब और अनंत काल तक, और अनंत काल तक। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 प्रभु मेरी सुरक्षा है, प्रभु मेरी रक्षा है, प्रभु मेरा संरक्षक है। हालेलुया वो मेरी आत्मा की रक्षा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपनी आंखें मंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे, बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आराधना में एक और गीत गाएंगे। अपने भाई के साथ मिलकर इस आराधना के गीत को गाना, प्रभु में विश्राम पाना, प्रभु में भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा तारा, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा तारा। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद कारा। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना। एक साथ मिलके गाएं, तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति में हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन किए। एक विश्वासी को कभी टूटना नहीं चाहिए, एक विश्वासी की आत्मा सदा जगी रहती है। माता मरियम का वो गीत, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, हमारा भी गीत होना चाहिए। ये मत भूलिएगा, उसी मां की दृष्टि के सामने उसका एकमात्र बेटा मां डाला गया था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उस मां का गीत वही था, उस समय भी मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह अय्यूब ने भी कहा, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर की स्तुति हो। यह परिस्थिति ऐसी है जब हम आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते नहीं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है। यौहन के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। और आज प्रभु यीशु हर एक विश्वासी से यही कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। जीवन में होने वाले दुखों को देखकर टूटना नहीं, बर्बाद नहीं होना, निराश नहीं होना, ढारस रखना, यह जानना कि मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु के शिष्यों की तरह, प्रेरितों की तरह हम भी यीशु के पीछे चलेंगे। जीवन की इन कठिनाइयों के बावजूद हम भी प्रभु के साथ चलेंगे। पेत्रुस की तरह, पौलुस की तरह, अन्य प्रेरितों की तरह जो यीशु के लिए मरने को तैयार थे, यीशु के पीछे चलने को तैयार थे, हम भी यीशु के पीछे चलेंगे। हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, परख हो रही है, हमारे विश्वास की परख हो रही है। देखिए संत पेत्रुस क्या कहते हैं, पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 में पेत्रुस कहते हैं कि जब आपको इन प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है तो उसको आनंद का विषय माने, क्योंकि इस तरह
हमारे विश्वास की परख होती है। पौलुस पेत्रुस कहते हैं स्वर्ण की भी परख अग्नि में होती है। एक विश्वासी की परख हो रही है, एक विश्वासी को परखा जा रहा है। हम दृढ़ बने रहें, सुदृढ़ बने रहें, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। बार बार इस बात को अपने मन में गूंजने दीजिए, धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग इस समय अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे। आज इस वक्त हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, विशेष करके कोविड के रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय हजारों कोविड के रोगियों के लिए जो इस समय वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, जो स्वयं सांस नहीं ले पाते हैं लेकिन वेंटिलेटर सांस लेने में मदद दे रहा है। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है लेकिन उम्मीद है, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे वेंटिलेटर में पड़े हजार रोगियों को इस समय यीशु के पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। वेंटिलेटर में पड़े हजार रोगियों को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में समय समर्पित करते हुए उनके परिजनों के दर्द, उनके परिवार के लोगों के दर्द पीड़ाओं को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हुए उन भाई बहनों के जो वेंटिलेटर में पड़े हैं अपने मन के विचारों, आशंकाओं, चिंताओं, डर, निराशा को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करना चाहते हैं। ये सुन पर दया कर, उनको ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रार्थना कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयालु यीशु दया कर, दयालु यीशु दया कर, आजाद 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 कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जो लोग जी रहे हैं कोविड के रोगी, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर को हटाया जाए तो शायद वे समाप्त हो जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा उनको सांस लेने के लिए ताकत मिल रही है। ऐसे कम से कम 10,000 रोगियों को प्रभु यीशु तेरे कदमों पे लाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर के सहारे जीने वाले। प्रभु यीशु उनके दर्द पीड़ाओं को तू जानता है, उनकी आशंकाओं को तू जानता है, उनकी उत्कंठाओं को तू जानता है, उनके डर को तू जानता है, उनके परिवार के लोगों के डर को तू जानता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे इस समय अस्पतालों में पड़े 10,000 रोगों को, 10,000 रोगियों को यीशु के कदमों पर लाएंगे, यीशु के पास लाएंगे। ए यीशु, तूने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान की योग्यता से उन्हें इसी वक्त छुटकारा मिले, इसी वक्त छुटकारा मिले, इसी वक्त सांस लेने की शक्ति और ताकत मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रतिदिन हमारे देश में आज 3,00,000 नए रोगी पाए जा रहे हैं, यानी उसका दुगुना लोग इस रोग को लेकर चल रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम है। आज की तारीख को कम से कम 6,00,000 लोग नए रोगी हैं। ऐसे नए नए रोगियों को जो इस रोग को लेकर चलते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम है, जिसके कारण उनका रोग और बिगड़ता जा रहा है। उन्हें टेस्ट करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई मौका नहीं है। ऐसे रोगियों को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। ऐसे
रोगियों को हम समर्पित करेंगे। संसार भर के 10 लाख नए नए कोरोना के रोगी, कोविड के रोगियों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु वचन में लिखा हुआ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 उसके वाक्य 15 में, तो पेत्रुस के घर गया और पेत्रुस की सास बुखार से तड़प रही थी, तो उसके घर उसके पास गया, वचन में लिखा हुआ तूने उसके हाथ को स्पर्श किया और बुखार जाता रहा, तूने उसके हाथ को स्पर्श किया और बुखार जाता रहा, तूने उसके हाथ को स्पर्श किया और बुखार जाता रहा। प्रभु यीशु इस समय आज के नए नए कोविड रोगियों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, उनको स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना उनको, स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना उनको, स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना उनका बुखार जा रहा है, उनका बुखार जा रहा है, उनका बुखार जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। इन दिनों विशेष करके बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जिनको कोविड पॉजिटिव हो गया था, हल्की फुल्की दवा से नेगेटिव हो गए हैं, प्रभु यीशु ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, प्रभु यीशु ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हम इस समय अपनी आंखें मंद रखेंगे, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे। संसार भर में जितने रोगी हैं, कोविड के रोगी, उन सबको इस समय आशीर्वाद देंगे यीशु के नाम पर। यीशु के नाम पर सबको आशीर्वाद मिले, 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 सांत्वना मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने रोगी मर गए हैं, जिनके परिजन इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन पर प्रभु की आशीष आवे, उन्हें सांत्वना मिले। अचानक उनके बीच में से उनके प्रिय लोग उठा लिए गए और वे सह नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु उनको सांत्वना देना। जिस तरह तूने नाइम की उस विधवा को सांत्वना दी, जिस तरह तूने लाजरुस की बहनों को सांत्वना दी, उसी तरह सांत्वना देना। आइए हम इस समय प्रभु यीशु की सिखाई हुई सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ दोहराते हुए कोविड के द्वारा मरे हुए सभी लोगों के परिजनों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें इस समय प्रभु की सांत्वना मिले, प्रभु की सांत्वना मिले। दोनों हाथ खुला रखें, यीशु की सिखाई उस महान और शक्तिशाली प्रार्थना दोहराए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रभु यीशु कह रहे हैं बहुत सारे भाई बहन जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमको भी कोविड है और यहाँ तक कि टेस्ट भी किए हैं। प्रभु कहते हैं डरना नहीं, तुमको कोविड नहीं है, नेगेटिव पाया जाएगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इसके लिए, धन्यवाद यीशु। अभी परम प्रसाद की आशीष है, आशीष से पहले फिर एक बार मैं आप सबको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कोरोना से लड़ने के लिए
जो विशेष प्रार्थना 2-3 दिन पहले हमने शुरू की है, हर रोज रात को 9 बजे 9 से 10 बजे तक, कृपया उसमें भाग लेंगे। इसको देखना काफ़ी नहीं है बल्कि इसमें भाग लेंगे, वो लाइव प्रोग्राम है, आपसे अनुरोध है इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ हर रोज़ 3 बजे दोपहर के समय 3 बजे करुणा की माला है, उसमें भी कोरोना रोगियों के लिए, कोविड रोगियों के लिए प्रार्थना की जा रही है, ज़रूर इसमें भी भाग लेंगे। लाइव प्रोग्राम है, इन दोनों को लाइव में ही अटेंड करेंगे, उसमें भाग लेंगे, उससे आपको बहुत सारी कृपाएँ मिलेंगी। हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा 12 बजे दोपहर को, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, हर रविवार को मिसा बलिदान, प्रतिदिन रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा कृपाएं प्राप्त करें, प्रभु आपको आशीष दें। जब परम प्रसाद की आशीष होगी, जो लोग तेल और पानी लाए आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र करना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसमें उंडेल देना। परम प्रसाद की आशीष। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को और तेल को, इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, भर दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करे, जो भी इसे ग्रहण करे, जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे धारण करे, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।